हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 के बेसिक्स करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स डेसिमल नंबर्स के बारे में। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसमें आपको पॉइंट नजर आता है, इन्हें हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए 4.5, तो ये एक डेसिमल नंबर है। तो 4.5 का मतलब ये होता है कि ये नंबर 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, यानी ये 4 और 5 के बीच में है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर 2.7, तो ये नंबर डेसिमल नंबर है, ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो अगर हमें इनको कंपेयर करना हो स्टूडेंट्स कि 4.5 और 2.7 इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डेसिमल से पहले वाली डिजिट क्या है। यहाँ पर 4 है और यहाँ डेसिमल से पहले वाली डिजिट क्या है, 2 है। यानी डेसिमल से जो लेफ्ट वाली डिजिट है, पहले हम उनको कंपेयर करेंगे। तो डेसिमल से पहले यहाँ 4 है और यहाँ पर 2 है, तो 4 बड़ा होता है 2 से। तो उसके बाद ये डिजिट्स आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर डेसिमल से लेफ्ट साइड वाली डिजिट आप चेक कर चुके हैं और उसमें आपने देखा कि 4 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4.5 इज ग्रेटर देन 2.7। तो यहाँ पर हम ऐसे ग्रेटर देन का ये सिंबल लगा देंगे, यानी कि 4.5 बड़ा है, ग्रेटर है किससे, 2.7 से। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने लिया 5.7 और 5.2। अब अगर हमें इन दोनों डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना है कि इनमें से ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है, तो पहले हम डेसिमल से लेफ्ट वाली डिजिट चेक करते हैं। यहाँ डेसिमल से लेफ्ट में 5 है, यहाँ भी डेसिमल से लेफ्ट में 5 है, यानी कि डेसिमल की लेफ्ट वाली डिजिट तो दोनों में सेम है। तो अब हम डेसिमल की राइट वाली डिजिट को चेक करेंगे। यहाँ डेसिमल के राइट में जाते हैं तो यहाँ 7 है और यहाँ डेसिमल के राइट में क्या है, 2 है। और अब हम देख सकते हैं कि 7 2 से बड़ा होता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 5.7 इज ग्रेटर देन 5.2। यानी कि जब हमने डेसिमल से लेफ्ट वाली डिजिट्स को कंपेयर किया और अगर वो इक्वल निकली, तो उसके बाद हम डेसिमल की राइट वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे। और जैसे ही हमने देखा कि डेसिमल के राइट में यहाँ 7 है और यहाँ 2 है, तो 7 2 से बड़ा होता है, तो अब हम कह सकते हैं कि 5.7 इज ग्रेटर देन 5.2। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया 0.4 और यहाँ पर हमने लिखा 0.04। तो इनको अगर कंपेयर करना है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम डेसिमल से लेफ्ट वाली डिजिट चेक करते हैं। यहाँ डेसिमल के लेफ्ट में 0 है, यहाँ भी डेसिमल के लेफ्ट में 0 है। इसका मतलब डेसिमल के लेफ्ट वाली डिजिट्स तो दोनों सेम है। तो अब हम डेसिमल के राइट में आएंगे, तो डेसिमल से जो नेक्स्ट जो डिजिट है राइट साइड में, वो यहाँ पर 4 है, जबकि यहाँ देखिए डेसिमल के राइट में जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 0। तो 4 और 0 में से कौन सी डिजिट बड़ी है, 4 बड़ा है। तो अब हम कह सकते हैं कि 0.4 इज ग्रेटर देन 0.04। अब क्योंकि हम डेसिमल की राइट डिजिट चेक कर चुके हैं जो राइट साइड में है, यहाँ 4 है और यहाँ 0 है, तो इनमें से 4 बड़ा निकला, तो उससे आगे वाली जो ये डिजिट है, इसको हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि 0.4 ग्रेटर है 0.04 से। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ हमने लिया 20 और यहाँ लिया 20.5। अब हम तो डेसिमल नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ तो कोई डेसिमल नंबर दिख ही नहीं रहा, ये तो 20 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब कहीं डेसिमल नहीं होता तो लास्ट में डेसिमल होता है, तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20.0। यानी कि अगर कोई नंबर अकेला है, यानी उसके आगे आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा है, तो उसके एंड में डेसिमल होता है। और अगर आप उसी नंबर को डेसिमल के बाद जीरो लगाकर लिख देते हैं, तो उस नंबर के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। जैसे कि आप लिखे 15, तो आप 15 लिखें या 15.0 लिखें, बात एक ही होती है, तो हर नंबर के एंड में डेसिमल होता है। तो 20 को ही हमने कैसे लिख दिया, 20.0। अब हमें कंपेयर करना है 20.0 और 20.5 को। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हम डेसिमल के लेफ्ट वाली डिजिट्स को चेक करते हैं। डेसिमल के लेफ्ट में यहाँ 20 है, डेसिमल के लेफ्ट में यहाँ भी 20 है, तो लेफ्ट साइड तो बिल्कुल सेम चल रही है। तो अब हम डेसिमल की राइट साइड में आते हैं। यहाँ पर डेसिमल की राइट साइड में 0 है और यहाँ डेसिमल की राइट साइड में 5 है, तो 5 बड़ा होता है 0 से। तो अब हम कह सकते हैं कि 20.5 इज ग्रेटर देन 20.0।
जीरो। तो यहां पर आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी नंबर अकेला नहीं होता है, उसके एंड में डेसिमल लगा सकते हैं। अगर आप उसके एंड में डेसिमल लगाते हैं, जैसे कि 15 को हमने लिखा 15.0, तो 15.0 और 15 एक ही बात होती है। अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, यानी डेसिमल नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है। तो हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि हमें ऐड करना है 42.35 को और 9.62 को। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये 42.35 एज इट इज लिख लिया। अब आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी आप दो डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। तो यहाँ देखिए 42.35 है, तो डेसिमल यहाँ पर है। तो जो दूसरा नंबर है जिसे हमें ऐड करना है 42.35 के साथ, इसका डेसिमल इस डेसिमल के नीचे आएगा। तो ये डेसिमल यहाँ पर आया, डेसिमल से लेफ्ट में कौन सी डिजिट है? 9। तो डेसिमल से लेफ्ट में हमने क्या लिखा? 9। डेसिमल के राइट में क्या है? 6 और 2। तो यहाँ हमने लिखा 6 और 2। तो आपने याद रखना है कि जब दो डेसिमल नंबर्स को ऐड किया जाएगा तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है। अब हम इनको ऐड करते हैं। देखिए 5 + 2 7, 6 + 3 9, और फिर ये डेसिमल आ जाएगा। इसके बाद 9 + 2 11, 11 का 1 यहाँ पर और 1 यहाँ कैरी करेंगे, 1 + 4 5। तो जब हमने 42.35 को ऐड किया 9.62 के साथ तो हमें आंसर मिला है 51.97। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें ऐड करना है 20 को 19.36 के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सीख क्या रहे हैं कि डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, लेकिन 20 के आगे तो कहीं डेसिमल नहीं है। तो जब हम 20 को ही डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम 20 को कैसे लिख सकते हैं? 20.00, 20.00 और 20 एक ही बात है, यानी कि कोई भी नंबर अकेला नहीं होता, उसके एंड में डेसिमल होता है। तो 20 के एंड में हमने लिखा डेसिमल, और उसके आगे आप कितनी भी जीरो लगा दीजिए, उससे 20 की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप डेसिमल के बाद यहाँ 10 जीरो भी लगा देंगे तब भी इसका मतलब 20 ही रहेगा। तो हमने क्या किया, इस 20 को डेसिमल फॉर्म में लिख दिया पहले तो। और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जिस नंबर के साथ हम इसे ऐड करेंगे वो डेसिमल फॉर्म में है। तो देखिए 20.00 को अब हमें ऐड करना है 19.36 के साथ। और अभी हमने आपको सिखाया कि जब हम दो डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। तो ये जो डेसिमल है 19.36 का, ये डेसिमल इस डेसिमल के नीचे आएगा। डेसिमल के लेफ्ट में क्या है? 19। तो यहाँ पर 19 लिखा। डेसिमल के राइट में क्या है? 36। तो यहाँ पर ये 36 आया। अब देखिए 6 + 0 6, 3 + 0 3 होता है, तो यहाँ 3 आया, फिर ये डेसिमल आ गया। 9 + 0 9 होता है, तो यहाँ 9 आया। 2 + 1 3 होता है, तो यहाँ पर 3 आया। तो जब हमने 20 + 19.36 किया तो हमें आंसर मिला है 39.36। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें ऐड करना है 15.36 को 9.40 के साथ। तो पहले हमने ये 15.36 यहाँ पर लिखा। अब ये जो 9.40 है, इसका डेसिमल इस डेसिमल के नीचे आएगा। और डेसिमल के लेफ्ट में क्या है? 9। तो डेसिमल के लेफ्ट में यहाँ 9 लिखा। डेसिमल के राइट में यहाँ पर 40 है, तो डेसिमल के राइट में हमने लिखा 40। अब देखिए 6 + 0 6 होता है, तो यहाँ पर 6 आया। 4 + 3 7 होता है, तो यहाँ पर 7 आया, फिर ये डेसिमल आ गया। फिर 9 + 5 14 होता है, तो 4 यहाँ पर आया और 1 यहाँ कैरी हुआ। 1 + 1 2 होता है, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो जब हमने 15.36 को ऐड किया 9.40 के साथ तो हमें आंसर मिला है 24.76। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स, यानी कि डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो ये भी हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है 29.35 में से 4.56 को। तो पहले तो हमने ये 29.35 यहाँ पर एज इट इज लिखा, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4.56 को। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डेसिमल नंबर्स को
तब डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, तो ये जो डेसिमल है 4.56 का, ये इस वाले डेसिमल के नीचे आएगा। डेसिमल के लेफ्ट में क्या है? 4, तो डेसिमल के लेफ्ट में 4 लिखा। डेसिमल के राइट में 5.6 है, तो डेसिमल के राइट में हमने लिखा 5.6। अब हम 29.35 में से माइनस करेंगे 4.56 को। तो अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें 5 में से 6 माइनस करना है, लेकिन 5 छोटा है 6 से, तो हम अगले डिजिट से एक नंबर कैरी करते हैं, तो ये बन जाएगा 15। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 9। अब यहाँ क्या बचा? 2। अब 2 में से 5 माइनस करना है, 2 भी छोटा है 5 से, तो आगे से एक डिजिट कैरी करेंगे तो ये 2 बन जाएगा 12। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये डेसिमल एज इट इज रहेगा। अब 9 में से एक नंबर तो यहाँ कैरी हो गया था, तो यहाँ बचा 8। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 4, और उसके बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 0 है, तो 2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। तो जब हमने 29.35 में से माइनस किया 4.56 को, तो हमें आंसर मिला 24.79। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हमें 30 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5.56 को। अब देखिए स्टूडेंट्स, 5.56 तो एक डेसिमल नंबर है, लेकिन 30 में तो डेसिमल नजर ही नहीं आ रहा, तो जब कहीं डेसिमल नहीं होता है तो एंड में डेसिमल होता है, तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30.00, यानी कि 30.00 और 30 एक ही बात है। अब 30.00 आ गया और इसमें से माइनस करना है हमें 5.56 को, तो ये जो डेसिमल है 5.56 का, ये डेसिमल इस डेसिमल के नीचे आएगा, और डेसिमल के लेफ्ट में 5 है, तो यहाँ हमने डेसिमल के लेफ्ट में 5 लिखा। डेसिमल के राइट में 5.6 है, तो यहाँ डेसिमल के राइट में हमने लिखा 5.6। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें 0 में से 6 माइनस करना है, लेकिन 0 तो 6 से छोटा है, तो हम आगे से एक नंबर कैरी करेंगे तो ये 0 बन जाएगा 10। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 4। अब यहां पर देखिए, ये नंबर 0 से भी अब एक नंबर कम हो गया, क्योंकि इसमें से एक नंबर कैरी कर लिया गया था, तो जब हम आगे से एक नंबर कैरी करेंगे तो अब ये 10 नहीं बनेगा, अब ये 9 बनेगा। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 4, उसके बाद ये डेसिमल एज इट इज आ गया। अब इस 0 में से भी एक नंबर कैरी कर लिया गया था, तो जब हम आगे से एक नंबर कैरी करेंगे तो ये भी 10 नहीं बनेगा बल्कि 9 बनेगा, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। अब यहां से एक नंबर कैरी हो गया है, तो ये क्या बन गया? ये 2 बन गया। 2 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो 2 में से 0 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2। तो जब आपने 30.00 में से माइनस किया 5.56 को, तो आपको क्या आंसर मिला? 24.44। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें हमें 52.36 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2.30 को। तो पहले तो हमने ये 52.36 यहाँ पर एज इट इज लिखा, अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2.30 को, तो ये जो डेसिमल है स्टूडेंट्स, ये इस डेसिमल के नीचे आएगा। डेसिमल के लेफ्ट में 2 है, तो यहाँ हमने डेसिमल के लेफ्ट में 2 लिखा। डेसिमल के राइट में 30 है, तो यहाँ डेसिमल के राइट में हमने 30 लिखा। अब देखिए, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 आएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 बचेगा, डेसिमल एज इट इज। 2 में से 2 माइनस किया, यहाँ 0 आ गया। 5 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो 5 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आएगा। तो जब हमने 52.36 में से सब्ट्रैक्ट किया 2.30 को, तो हमें आंसर मिला है 50.06। अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, हम आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है 253.147। इस नंबर में जितने भी डिजिट्स है स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन उन सबकी प्लेस वैल्यू चेक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। अब देखिए, डेसिमल के लेफ्ट में अगर हम आए, तो डेसिमल के लेफ्ट में जो पहली डिजिट है वो 3 है, तो डेसिमल के लेफ्ट में जो फर्स्ट डिजिट होती है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 1, तो इसीलिए यहां पर हमने लिखा प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। अब डेसिमल के लेफ्ट में अगर हम जाएं, तो 1 के आगे आता है टेंस, यानी जो सेकेंड नंबर पे डिजिट आती है लेफ्ट से, डेसिमल के लेफ्ट में जो सेकेंड डिजिट होगी उसकी प्लेस वैल्यू होती है टेंस। तो यहां पर सेकेंड नंबर पे कौन है? 5। तो देखिए हमने क्या लिखा, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू टेंस। अब 5 से आप और लेफ्ट में जाए तो यहां पर 2 है, तो डेसिमल से जब आप लेफ्ट की तरफ आते हैं तो जो तीसरे नंबर पे डिजिट होती है उसकी प्लेस वैल्यू होती है हंड्रेड्स। तो यहां हमने लिखा स्टूडेंट्स
प्लेस वैल्यू ऑफ टू इज इक्वल टू हंड्रेड्स, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे टू है, तो टू की प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स है। तो अभी तक हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि डेसिमल के लेफ्ट में जो पहली डिजिट होती है उसकी प्लेस वैल्यू वंस होती है, डेसिमल के लेफ्ट में जो दूसरी डिजिट होती है उसकी प्लेस वैल्यू टेंस होती है, और डेसिमल के लेफ्ट में जो तीसरी डिजिट आती है उसकी प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स होती है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि डेसिमल के राइट में जो डिजिट्स होती हैं इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो डेसिमल के राइट में जो पहली डिजिट होती है स्टूडेंट्स, इसकी प्लेस वैल्यू होती है टेंथ्स। तो यहाँ पर डेसिमल के राइट में पहली डिजिट वन है, तो यहाँ हमने लिखा प्लेस वैल्यू ऑफ वन इज इक्वल टू टेंथ्स। उसके बाद डेसिमल के राइट में जो दूसरी डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है हंड्रेड्स। तो यहाँ पर डेसिमल के राइट में जो दूसरी डिजिट है वो है फोर, तो यहाँ हमने लिखा प्लेस वैल्यू ऑफ फोर इज इक्वल टू हंड्रेड्स। और इसके बाद डेसिमल के राइट में जो तीसरी डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है थाउजेंड्स। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर तीसरे नंबर पे सेवन है, डेसिमल के राइट में जो तीसरी डिजिट है वो सेवन है, तो यहाँ हमने लिखा प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन इज इक्वल टू थाउजेंड्स। तो हमने यहाँ पर यह सीखा स्टूडेंट्स कि डेसिमल के राइट में जो पहली डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है टेंथ्स, डेसिमल के राइट में जो दूसरी डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है हंड्रेड्स, और डेसिमल के राइट में जो तीसरी डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है थाउजेंड्स। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? इस एक्सरसाइज में आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, जिनमें कि आपको रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने को कहा जाएगा, या पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना होगा, या ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिनमें कि आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जब हम किलोमीटर को मीटर में या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, या रुपीस को पैसे में और पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे स्टूडेंट्स कि रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कैसे किया जाता है और पैसे को रुपीस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। देखिए 100 पैसा मिलकर 1 रुपया बनता है, तो अगर 100 पैसे में 1 रुपी होता है तो 1 पैसे में कितने रुपीज होंगे? तो अगर 100 पैसे में 1 रुपी होता है स्टूडेंट्स, तो 1 पैसा इज इक्वल टू, ये जो 100 होता है इसको आप इस तरफ ले आएंगे और ये राइट साइड में आके 1 के नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, यानी 100 पैसे में 1 रुपी होता है, तो 1 पैसे में यानी 1 पैसे में कितने रुपीज होंगे? 1 पैसे में होंगे 1/100 रुपीज। अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, कन्वर्ट रुपीज 7 into पैसे, यानी कि आपको 7 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 1 रुपी में 100 पैसा होता है, तो यहां पर हमने लिखा रुपीज 1 इज इक्वल टू 100 पैसा। ठीक है, अब अगर 1 रुपी में 100 पैसा होता है तो 7 रुपीज में कितने पैसे होंगे? तो वो हम कैसे निकालेंगे? हम यहां पर लिखेंगे रुपीज 7 इज इक्वल टू, 1 रुपए में जितने पैसे होते हैं वो यहां लिखेंगे, और हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो यहां हमने 100 लिखा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो 100 into 7 क्या होता है? 700। यानी कि अगर 1 रुपए में 100 पैसा होता है तो 7 रुपीज में कितने पैसे हुए? 700 पैसे। मान लीजिए यहाँ रुपीज 7 की जगह 15 होता तो 15 रुपीज में कितने पैसे होते? तब हम 100 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते। 20 रुपीज के लिए कहा जाता तो हम 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर देते। तो 1 रुपी में अगर 100 पैसे हैं तो 7 रुपीज में हमें मिले 700 पैसे। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हमसे कहा गया है कन्वर्ट 358 पैसे इंटू रुपीज, यानी हमें 358 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी होता है, यानी कि 100 पैसे में 1 रुपया होता है। तो अगर 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी है तो 1 पैसा किसके इक्वल होगा? 1 पैसा इज इक्वल टू, ये 100 यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1 पैसा इज इक्वल टू रुपीज 1/100। अब अगर 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं तो 358 पैसे में कितने रुपीज होंगे? 358 पैसे इज इक्वल टू
एक पैसे में जितने रुपये होते हैं, यानी कि 1/100 रुपीज, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 358 से। अब देखिए, यहां पर न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 100 है, यहां न्यूमरेटर में 358 है और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं नजर आ रहा, मतलब यहां पर 1 है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 358 * 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा न्यूमरेटर में, 358। यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है, यहाँ 1 है, तो 100 * 1 करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, यानी 358 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 358/100। अब हमें यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें 358 को डिवाइड करना है 100 से। अब हम आपको सिखाएंगे कि जब भी आप किसी नंबर को 10 से, 100 से या 1000 से डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए, यहाँ नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो आप नीचे से ये दोनों जीरो हटा देंगे और फिर चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। देखिए, जब डेसिमल कहीं नहीं दिखता तो इसका मतलब डेसिमल यहाँ बिल्कुल राइट में होता है, यानी 8 के भी राइट में होगा। तो जब हम नीचे से 2 जीरो हटाते हैं तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ आ जाता है। तो देखिए, ये जो डेसिमल है ये किस साइड आएगा, 1 डिजिट क्रॉस करेगा, फिर 2 डिजिट क्रॉस करेगा और यहाँ 3 और 5 के बीच में आएगा। तो देखिए यहाँ क्या आंसर आया, 3.58। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमने 358 को जब 100 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 3.58। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम 358 पैसे को कन्वर्ट करते हैं रुपीज में तो हमें रुपीज में आंसर मिलता है रुपीज 3.58, यानी कि रुपीज 3.58 बोलिए या 358 पैसा बोलिए, बात एक ही है। हमने यहाँ 358 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करके दिखा दिया है। अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये 100 यहां पर अपॉन में आ जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे, कन्वर्ट 5 मीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी कि हमें 5 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है तो 5 मीटर किसके इक्वल होगा, 5 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर में जितने सेंटीमीटर होते हैं वो हमने यहां पर लिखा, यानी कि 100 सेंटीमीटर, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो 100 * 5 क्या होता है, 500। तो अब हम कह सकते हैं कि 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, यानी हमने 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर आए, 500 सेंटीमीटर। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर 5 मीटर की बजाय हमें 7 मीटर दिया होता, तब हम क्या करते, 100 * 7 कर देते, तो 7 मीटर किसके इक्वल आता, 700 सेंटीमीटर के। अगर यहाँ 15 मीटर दिया होता तो 100 * 15 कर देते, तब हमें मिलता 1500 सेंटीमीटर। यानी हमें बस ये देखना है कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है और उसके बाद जितने भी मीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, हम 100 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो मीटर में क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, कन्वर्ट 432 सेंटीमीटर इंटू मीटर, यानी हमें 432 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसको कैसे सोल्व करेंगे। हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो अगर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये 100 यहां पर अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। और हमें क्या करना है, हमें 432 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो 432 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखिए 1 सेंटीमीटर में अगर 1/100 मीटर है तो 432 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होगा, 1 सेंटीमीटर में जितना मीटर होता है वो लिखेंगे, यानी 1/100, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 432 से।
अब देखिए स्टूडेंट्स, 432 इंटू 1 करेंगे तो यहां न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 432, इसके नीचे अपॉन में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 इंटू 100 करेंगे तो यहां पर अपॉन में आ जाएगा 100, यानी कि 432 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमें मिल गया 432 अपॉन 100 मीटर। अब हम इस 432 को डिवाइड करेंगे 100 से। हमने पहले भी आपको ये समझाया स्टूडेंट्स कि जब आप किसी नंबर को 10 से, 100 से या 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवीजन कैसे होता है। देखिए नीचे कितनी जीरो है, दो जीरो हैं। आप नीचे से ये दो जीरो हटा देंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। न्यूमरेटर में हमें मिला है 432, डेसिमल कहीं नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब डेसिमल यहां लास्ट में इस साइड पर होगा यानी कि 2 से भी राइट में। तो जब यहां पर डेसिमल है और आपने नीचे से दो जीरो हटाई तो ये डेसिमल यहां से दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि पहले ये 2 को क्रॉस करेगा और फिर 3 को, यानी कि यहां पर आ जाएगा। तो हमें आंसर मिलेगा 4.32, यानी कि जब हमने 432 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में तो हमें आंसर मिला 4.32 मीटर। अब हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपको कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो जो भी नंबर आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर से मीटर में, आप 1/100 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां पर हमें 432 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था तो हमने 1/100 को मल्टीप्लाई किया 432 से। अगर यहां पर मान लीजिए आपको 600 या 500 या 1000 सेंटीमीटर दिया जाए और उसको कन्वर्ट करना हो, तो अगर 600 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर से तो 600 इंटू 1/100 कर देंगे, 500 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 500 इंटू 1/100 कर देंगे, 1000 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 इंटू 1/100 कर देंगे। तो इस तरीके से हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा कि 1000 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर के, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है तो 1 मीटर किसके इक्वल होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू ये 1000 यहां अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, यानी कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। अब हम पहला एग्जांपल देखेंगे, कन्वर्ट 7 किलोमीटर इंटू मीटर। हमें 7 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 7 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 7 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर में जितने मीटर होते हैं वो यहां पर लिखेंगे, यानी कि 1000 इंटू 7 कर देंगे। तो 1000 इंटू 7 क्या होता है, 7000। तो 7 किलोमीटर इज इक्वल टू आ गया 7000 मीटर, यानी 7 किलोमीटर में 7000 मीटर होते हैं। इस तरीके से हमने 7 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। यहां पर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जितने किलोमीटर को आपको चेंज करना है मीटर में, आप 1000 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वो मीटर में आंसर मिल जाएगा। मान लीजिए यहां पर 15 किलोमीटर होता तो आप 1000 को 15 से मल्टीप्लाई करते तो आपको आंसर 15000 मीटर मिल जाता। अगर यहां 20 किलोमीटर होता तो 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करते तो आपको 20000 मीटर आंसर मिल जाता। इस तरीके से आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्ट 535 मीटर इंटू किलोमीटर। हमें 535 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो अगर 1000 मीटर में 1 किलोमीटर है तो 1 मीटर कितने किलोमीटर के इक्वल होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू ये 1000 यहां पर अपॉन में आ जाएगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर है तो 535 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मीटर में जितने किलोमीटर है वो हम यहां लिखेंगे। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000। तो 1/1000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 535 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 535 इंटू 1 535 होता है,
यहां पर आ गया न्यूमरेटर में 535, यहां आप ऑन में कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में यहां पर 1 है, तो 1 × 1000 करेंगे तो यहां डिनोमिनेटर में आएगा 1000, तो 535 मीटर इज इक्वल टू क्या आ गया, 535/1000 किलोमीटर। अब हम इस 535 को डिवाइड करेंगे 1000 से, नीचे कितनी जीरो है स्टूडेंट्स, 3 जीरो, तो हम ये 3 जीरो हटा देंगे और फिर चेक करेंगे न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। जब हमें कहीं डेसिमल नहीं दिखता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है, तो नीचे से कितनी जीरो हटी, 3 जीरो, तो ये डेसिमल यहां से 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये इस 5 को भी क्रॉस करेगा, फिर इस 3 को भी और इस 5 को भी, तो डेसिमल यहां पर आ जाएगा। तो देखिए ये डेसिमल यहां पर आ गया, और डेसिमल से पहले हम ये 0 लिख देते हैं, हालांकि इस 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है। तो 535 मीटर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.535 किलोमीटर। इस तरीके से हमने 535 मीटर को कन्वर्ट कर दिया है किलोमीटर में। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी नंबर को मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, आप 1/1000 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आपको आंसर मिलेगा वो किलोमीटर में कन्वर्ट होकर मिलेगा। अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स के मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू ये वाला 10 यहाँ आप ऑन में आ जाएगा, यानी 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स के 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे, कन्वर्ट 7 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। हमें 7 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स के 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो 7 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर में जितने मिलीमीटर होते हैं हम वो यहां पर लिखेंगे, यानी कि 10, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 10 × 7 क्या होता है 70, तो यहां आ गया 70 मिलीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर में 70 मिलीमीटर होते हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स के जब आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो जितने सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में आप उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां 7 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था तो 7 × 10 कर दिया। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, कन्वर्ट 78 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। इस बार हमें 78 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू ये वाला 10 यहां पर अपॉन में आ जाएगा, यानी 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो अब अगर 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं तो 78 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो ये हम कैसे निकालेंगे, हम 1/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 78 से, तो ये मिलीमीटर से कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। 78 मिलीमीटर इज इक्वल टू 78 × 1/10। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां न्यूमरेटर में 78 है और यहां न्यूमरेटर में 1 है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 78 × 1 78 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 78 आ गया, यहां इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 × 10 करेंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, तो 78 मिलीमीटर इज इक्वल टू आ गया है 78/10 सेंटीमीटर। अब हमें इस 78 को डिवाइड करना है 10 से, तो यहां पर डिनोमिनेटर में देखिए कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो अगर हम ये 1 जीरो हटा देते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है, 78 में कहीं डेसिमल नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब डेसिमल यहां पर होगा बिल्कुल यहां लास्ट में, तो अगर नीचे से 1 जीरो हटेगी तो ये डेसिमल यहां से 1 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये 7 और 8 के बीच में आ जाएगा, तो 78 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या आ गया, 7.8 सेंटीमीटर। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमने 78 को 10 से डिवाइड किया तो हमें मिला 7.8, तो इस तरह से हमने 78 मिलीमीटर को कन्वर्ट करके दिखा दिया है सेंटीमीटर में।
आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप 1/10 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसे आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर हमें 78 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर में, तो 1/10 को हमने 78 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ कोई और नंबर होता तो हम वो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते 1/10 से। अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज किया जाता है और किलोग्राम को ग्राम में कैसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम, यानी कि 1 kg में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर 1000 ग्राम में 1 kg होता है तो 1 ग्राम में कितना kg होगा? 1 ग्राम इज इक्वल टू, ये वाला 1000 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, तो अब हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1/1000 kg, यानी 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है। अब हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे, कन्वर्ट 5 kg इंटू ग्राम, यानी कि हमें 5 किलोग्राम को कन्वर्ट करके दिखाना है ग्राम में। अब देखिए, हम जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं तो 5 kg में कितने ग्राम होंगे? 5 kg इज इक्वल टू 1 kg में जितने ग्राम होते हैं वो हमने यहाँ पर लिखा, यानी कि 1000, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, 1000 इंटू 5 होता है 5000, तो 5 kg इज इक्वल टू आ गया 5000 ग्राम। तो इस तरह से हमने 5 kg को ग्राम में चेंज करके दिखा दिया है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जितने केजी को भी आपने कन्वर्ट करना है ग्राम में, आप 1000 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां पर हमें 5 kg को ग्राम में चेंज करना था तो हमने 1000 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम आ गया। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, कन्वर्ट 485 ग्राम इंटू केजी, हमें 485 ग्राम को केजी यानी किलोग्राम में चेंज करना है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1 kg, यानी 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। तो अगर 1000 ग्राम में 1 kg होता है तो 1 ग्राम में कितने केजी होंगे? तो 1 ग्राम इज इक्वल टू, ये वाला 1000 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू होगा 1/1000 kg। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें 485 ग्राम को चेंज करना है केजी में, तो 485 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम में जितना केजी होता है, जितना किलोग्राम होता है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। 1 ग्राम में होता है 1/1000 kg, तो वो 1/1000 यहाँ पर हमने लिखा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 485 से। तो अब ये 485 ग्राम चेंज हो जाएगा किलोग्राम में। अब देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर में 485 है और यहाँ 1 है, तो 485 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में 485 आ जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ डिनोमिनेटर में 1000 है, तो 1000 इंटू 1 करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1000 आएगा। तो अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स के 485 ग्राम इज इक्वल टू क्या आ गया है? 485/1000 kg। अब हमें इस 485 को डिवाइड करना है 1000 से। ये हम कैसे करेंगे? यहां देखिए डिनोमिनेटर में 3 0 हैं, आप ये 3 0 हटा देंगे और फिर चेक करेंगे कि यहाँ न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। यहाँ कहीं डेसिमल नजर नहीं आ रहा, तो जब कहीं डेसिमल नहीं होता तो यहाँ लास्ट में यहां पर डेसिमल होता है। तो जब नीचे से 3 0 हटेंगी तो डेसिमल यहां से 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब यहां पर नीचे से 3 0 हटी तो देखिए ये डेसिमल यहां से 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ गया, यानी 4 से भी लेफ्ट में। तो यहां देखिए 485 है, उसमें 4 से लेफ्ट में यहां पर डेसिमल आ गया, और इस डेसिमल से पहले हम ये 0 लगा देते हैं। इस 0 के लगने से इस नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है। तो 485 ग्राम इज इक्वल टू क्या आ गया है? 0.485 किलोग्राम। इस तरीके से हमने 485 ग्राम को कन्वर्ट करके दिखा दिया है किलोग्राम में। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब आपको किसी नंबर को ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना हो तो आप 1/1000 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसे आपने ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर हमें 485 ग्राम को चेंज करना था किलोग्राम में, तो हमने 1/1000 को 485 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।